नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। लास्ट स्टोरी में मैंने एक गुण के बारे में बताया था, क्या नाम था? ईमानदारी था। आज भी मैं ईमानदारी के ऊपर आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक वुड कटर रहता था, लकड़हारा, वुड कटर, जो लकड़ी काटता था और लकड़ी काट के बाजार में बेच करके अपने घर का गुजारा चलाता था। ठीक है, तो क्या हुआ, डेली उसका रूटीन था, जंगल से लकड़ी काटता, मार्केट में जाता, उसको बेचता, उससे वो पैसे मिलते, उससे अपने परिवार की रोजी रोटी करता। एक बार एक नदी के किनारे वो पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते अचानक से उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो कहाँ गिर गई? नदी में गिर गई। नदी में कुल्हाड़ी जैसे गिरी वो तो रोने लगा, अरे मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, दूसरी कुल्हाड़ी है नहीं है, रोने लगा। हाँ, खरीदे कैसे, पैसे भी नहीं है उसके पास इतने, क्योंकि जो पैसा कमाता था वो खाने पीने में खर्च हो जाता था, उतना पैसा नहीं था कि वो दूसरी लकड़ी खरीदे। तो रोने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं एक और लकड़ी, एक और कुल्हाड़ी खरीद सकूं, मेरी मदद करो। तो उस नदी में से वरुण देवता प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? भगवान वरुण देव प्रकट हुए और उस लकड़हारे से बोले, अरे बेटा तू रोता रो मत, तुझे दुखी देख करके मुझे बहुत तरस आ गया, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूं, तुझे क्या दुख है, क्या परेशानी है? तो वो बोला कि मेरी जो कुल्हाड़ी थी कहाँ गिर गई है? पानी में गिर गई है, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, तो वरुण देव क्या है, कहने लगे तो शांत हो जा, मैं अभी नदी के अंदर जाता हूं और नीचे से कुल्हाड़ी लेकर के आता हूं। अंदर गए, आए वापस, कौन सी कुल्हाड़ी लाए? हाँ, सोने की कुल्हाड़ी लाए, गोल्डन, गोल्ड की कुल्हाड़ी लेकर आए। तो उसने देखा कि अरे ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है और ये तो बहुत चमकदार है, तो सोने की कुल्हाड़ी है। तो वरुण देव से बोले कि ये कुल्हाड़ी मेरी? तो वरुण देव बोले ठीक है, मैं फिर जाता हूँ, कुल्हाड़ी लेके आता हूँ, देखता हूँ कहाँ रखी है। गए, इसके बाद वापस ले ऊपर आए तो रूपा का चांदी का कुल्हाड़ी वो लेकर के आए। तो उसने भी मना करे, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर वो बोले, वो लकड़हारा बोला, क्या आप है ना परेशान मत हो, रहने दो, कुल्हाड़ी खो गई तो खो जाने दो, देखेंगे जो होगा। तो वरुण देव बोले ठीक है, चिंता मत करो, एक बार और जाता हूँ मैं। वापस गए, इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आए, उसी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसको देख करके वो लकड़हारा पहचान गया, अरे ये तो मेरी कुल्हाड़ी है, यही है मेरी कुल्हाड़ी। तो वरुण देव उसकी ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि तुम ये तीनों कुल्हाड़ी ले जाओ, मेरी तरफ से दोनों कुल्हाड़ी गिफ्ट। तो बड़ा वो खुश हो गया कि अरे सोने की भी मिल गई और चांदी की भी मिल गई। उसने झूठ नहीं बोला, है ना, झूठ नहीं बोला। और वो तीनों कुल्हाड़ी लेकर के खुशी खुशी अपने गांव आ गया और अपने फ्रेंड्स को बताने लगा, देखो वरुण देव आए, मुझे सोने की भी कुल्हाड़ी दे दी, मुझे चांदी की भी कुल्हाड़ी दे दी और मेरी खुद की कुल्हाड़ी भी मिल गई। ठीक है, सब गांव के लोगों को वो बताने लगा। तो उसमें से उसका जो एक दोस्त था वो एक बड़ा लालची था, तो उसने सोचा कि चलो मैं भी ऐसी करके देखता हूँ। लालची मतलब ग्रीडी, बहुत लालच है जिसके अंदर, और चाहिए और चाहिए, लोभी है ना। वो गया और वैसा ही करने लगा जैसे वो लकड़हारा कर रहा था, पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काटने लगा। तो उसने अपनी जान बूझ करके कुल्हाड़ी पानी में जान बूझ के फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। और फिर उन्होंने हाय मेरी कुल्हाड़ी चली गई, हाय मेरी कुल्हाड़ी चली गई, भगवान प्रकट हो, प्रकट हो जल्दी से और मेरी कुल्हाड़ी वापस लाओ।
उसकी रोने की आवाज सुन करके वो वरुण देव वापस आए। तो वो बोले कि चिंता मत कर, मैं अभी तेरी गुलाड़ी लेकर के आता हूँ। उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और सोने की गुलाड़ी लेकर के आए, कहा कि ये तेरी गुलाड़ी है? हाँ 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 मेरी, हाँ मेरी गुलाड़ी यही है। तो वरुण देव जो थे एकदम नाराज हो गए, हाँ तो फिर वो पीछे चले गए और पीछे जाने के बाद कहने लगे अब तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बेईमान है, तो झूठा है, तूने ईमानदारी नहीं रखी, अब तुझे पुरानी वाली भी गुलाड़ी नहीं मिलेगी। तो वो अंतर्ध्यान हो गए, वापस वो देव चले गए और वो जो लालची इंसान था वो रोता हुआ आया, कह रहे मेरी तो पुरानी गुलाड़ी भी चली गई। तो इसलिए इस कहानी से हमको क्या मैसेज मिलता है कि अगर लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी, ईमानदारी से हमें हर कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ईमानदारी से हर काम का पालन करना चाहिए। हाँ अगर जो ऐसा नहीं करते भगवान भी उसके साथ नहीं होते, भगवान भी नाराज हो जाते हैं और उसकी कभी हेल्प भी नहीं करते, समझे। जिनागम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा, उसके लिए मैं इच्छा में दुकड़म, जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।